देखो अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना, वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना। ध्यान दो, अब जैसे अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस पर वाई जेड दोनों जीरो होंगे, ठीक है, वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों जीरो होंगे, और जेड एक्सिस को देखेंगे तो जेड एक्सिस पर एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, है ना, बोलो। अच्छा अब मैंने क्या बताया था कि इसे पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो पी की डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन ये हो जाएगी मॉड ऑफ जेड, है ना, देखो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन ये हो जाएगी मॉड ऑफ वाई, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, ठीक है, वाई जेड प्लेन देखो ये हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स, है ना, एक्स वाई से प्लेन डिस्टेंस मॉड जेड, एक्स जेड से डिस्टेंस मॉड वाई, वाई जेड से मॉड एक्स, ठीक है। फिर देखो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस ये हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें 3D के रिगार्डिंग दिमाग में हमेशा अपने रखनी है कि भाई 3D में हमें क्या क्या बेसिक बातें चाहिए हैं। हालांकि इनका बहुत सारा यूज कई बार वेक्टर में भी पड़ता है, और एक बात कि इसको इससे मिला दे तो देखो ये इसका पोजीशन वेक्टर और ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और इसकी डिस्टेंस मतलब इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो ये बातें जरा पहले बच्चों ध्यान से लिखो और उनको हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि ये डायग्राम से समझ में नहीं आती हैं, ये मैंने आपको जो कोने बैठ के समझाई थी वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।